गुरुवार के दिन कैसी चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार मतलब थर्सडे का दिन आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में सब कहते होंगे कि पीली चीज़ों का दान करें, पीली चीज़ों का दान करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ, क्या करना चाहिए गुरुवार के दिन। क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें बनती है, हर दिन कोई ना कोई भगवान का दिन होता है। तो जो गुरुवार है वो सबसे बड़े भगवान विष्णु जी का दिन होता है, और अगर विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीली चीज़ें बहुत पसंद थी, तो आपके हिसाब से और आपके लिए उनको पीली चीज़ें करनी चाहिए, उनके लिए पीली चीज़ों के दान करना चाहिए। और दान करो तो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में वृद्धि होगी, पैसों की वृद्धि, आपकी लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपने विष्णु जी की हर गुरुवार आप पूजा करें तो आपके लिए विष्णु जी आप पर बहुत कृपा देंगे, आप पर बहुत ज़्यादा कृपा देंगे। आपको दान करना चाहिए केले और पीली मिठाई का भोग लगाओ विष्णु जी को, उसके बाद उसको दान करो, गरीबों में दान करो, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। या आपकी नौकरी लगवाएगा, ये नौकरी के लिए भाग बहुत अच्छा होता है, तो आप ये कर सकते हैं। आपके लिए जिसकी नौकरी नहीं लग रही है वो ये करना चालू करें, विष्णु जी उससे प्रसन्न होकर उस पर बहुत कृपा करेंगे। ब्राह्मणों को पीले वस्त्र दान कर सकते हैं आप, जो भी ब्राह्मण हो आप उनको पीला वस्त्र दान कर सकते हैं, बल्कि कोई पीला वस्तु, कोई पीला कपड़ा, दाल, चने, पीला कुछ भी दान कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपसे विष्णु जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और सबसे बड़ी बात, हल्दी का दान सबसे ज़्यादा शुभ होता है गुरुवार के दिन। अगर आपने गुरुवार के दिन हल्दी का दान किया तो आपकी शादी के योग बनेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे योग बनेंगे। जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, जैसे अपनी शादी करानी है, जैसे अपनी शादी के योग बनाने हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए जो अच्छा है वो है ये कि आप हल्दी का दान करें। आपकी देखना कितनी जल्दी शादी होगी और कितनी जल्दी योग बनेंगे, और आप खुश हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकलने लग जाएगी और आपकी शादी भी जल्द ही होगी। तो आज आपको पता चल चुका है, तो आज से ही आप शुरू कर दें गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना शुरू कर दें, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपको गुरुवार को क्या क्या करना चाहिए, पर आपको गुरुवार को क्या क्या नहीं करना चाहिए। तीन काम आपको नहीं करने चाहिए। आपको आपके घर में कभी भी गुरुवार के दिन सफाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, बहुत ही ज़्यादा। आपको गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए, बिल्कुल नहीं धोने चाहिए, और कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। ये चीज़ें आपको गुरुवार के दिन नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी।